राम राम भाई सभी को, आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और आ चुके हैं होटल के बाहर और व्लॉग नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है यहीं से ही। और ये देखो राहुल हमारे साथ और पूरी टीम जितनी भी हमारी आगे आगे सब में आपस में एक कंपटीशन है कि कौन पहले पहुंचे। सारे युवा हैं, मतलब नए नए लड़के हैं सारे, और जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश है सबकी। तो देखते हैं क्या रहेगा यार कॉम्पिटिशन में मैक्स देसी फिटनेस भी है भाई, तो देखते हैं अपनी जान और शान कितनी लगेगी। हूँ तो भाई चढ़ाई तो यहीं से ही आ गई और कार्ड वार्ड सब रेडी, तो आगे का सफ़र दिखाता हूँ। अपनी टीम है पूरी जोश में है, ये देखो अब दिखे थारे बड़ी। तो भाई बहुत ही लंबी लाइन है और देखो पीछे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। कहाँ जा रहे हो भाई? पूरी लाइन करके क्रॉस, टीम आ चुकी है बाहर और सब है चलने के लिए रेडी। चले भाई चले। तो भाई हम जो चार हैं जो कि सबसे आगे हैं इस टाइम, और सब टीम बहुत पीछे है। मतलब कितनी कितनी पीछे? 400-500 मीटर के, 400-500 मीटर और सब रह गए। हम चार हैं जो पहले चढ़ने की कोशिश है, पर चार उनकी देखते हैं। विशेष कृपा है, हाँ माता रानी का आशीर्वाद रियो, तो चारों ही पहले पहुंचे। तो भाई अब भी हम लोग आ गए हैं और खूब झिक के दम फट रहो, मतलब मजा आ रहा हो। और हैं हम भी चारों, अब भी चारों ही आ गए हैं। हाँ तो थोड़ी दूर रह गई, तो कुंवारी पहुंचने वाले हैं। तो जय माता की, जय माता दी। तो भाई माता रानी का जो भवन है ना, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वो रह गए हमसे 3 किलोमीटर और अब रह गए हम 2, और हम में और में फैसला जो है ना 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर का है फिलहाल, और देखते हैं कितनी जान लगेगी। भाई अधिकारी पार कर दिया 50 मिनट से पहले, उस टाइम 45 हो रही थी। 8:10 पे आए थे तो मैक्सिमम 45 मिनट में हमने अधिकारी कर दिया है पार, और भवन की तरफ चल दिया। और देखते हैं कितने टाइम में भवन पहुँच जाएंगे। और भाई अभी एक चीज दिखाऊँ आपको, अपना दूर दूर तक इस रोड पे भी कोई नहीं है, उधर तक कोई नहीं है। अभी दो ही है मैं और भांजा। तो लो भैया लगे हाथ बजरंग बली के भी दर्शन हो गए भाई। अधिकारियों को डेढ़, चलो किसान परिषद के कमांडो की जय। अरे ऐसा हाथ ना बे, सूटन फूट मामला है भैया, भांजे खेचते हो, थोड़ी और रह गई। चल 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 चल, खेच के ले, कुछ ना, थोड़ी दूर हो रहा है, 1.5 किलोमीटर सूट है। तो भाई भांजे जान लगा रहो, आगे आगे चल लो, भांजे मेरी ताकत से आ चुकना अभी, तो देखते हैं अभी बताता हूँ। तो भाई भांजो आगे आ गए अभी, और भांजे कुछ नहीं पता कि मामा में कितनी पावर हो रही है अभी। बस चल लो अपनी मस्ती में मगन होकर, अभी बताता हूँ इसे आगे चल के। तो भाई अब है हम 1 किलोमीटर पीछे माता रानी से, और भैया देखो थोड़ी भांजे के जो ना थाई में दिक्कत आ रही, ज़्यादा थाई भर गई, क्योंकि हम पहलवान है और ये वेट लिफ्टर है, थोड़ा सा फर्क आता है थोड़ा सा। तो भाई माता रानी तो वो रही, इतनी दूर रहेगी बस, और कोई भी ना हो, भांजे वांजे कोई ना है यार, तो सब सु आगे चल लूँ भाई, तू आगे चल लूँ, देख लो कटाकट टूट गए हूँ भांजे के पास तू, और थोड़ा सो रहेगा मेरे लिए। तो भाई भांजे की खूब अच्छी जान लगी है, मैं तो 110 किलो का हूँ भाई, सबें पता हो, पर भांजे ने भी बहुत जान लगाई है, बहुत जान, वाकई गजब भांजे वाकई। तो भाई अब मैक्सिमम कितने मिनट में पहुँच गए हूँ यहाँ, अंदाजा बता। 106 मिनट में भवन पर। तो भाई काफी देर से खड़े हैं और मुंह धो लिया, और टाइम देख लो 10:07 हो रही हैं, और भाई मुंह धो लिया, टीम का दूर दूर तक कुछ मालूम नहीं है, टीम ज्यादा दूर रह गई शायद, कोई नहीं है कोई भी दूर दूर तक। और बैठे बैठे अभी जब फोन किया था 9:53 पे आ गए थे, अब भी याद है 9:53 पे तो फोन मार दिया था, उसके बाद मुंह धो लिया, अब आराम से बैठ गए आके, और अभी दूर दूर तक कोई नहीं है, टीम को आने दो, टीम ऐसी मार दी बहुत दूर दूर पता की। तो भैया टाइमिंग कोई 20-20 मिनट पीछे आ रहे हैं, ये आ गए अपनी सारी टीम। 1:55 में मार दिया, ठीक है तुम्हारी 1:55 में, लेकिन बहुत अच्छी बहुत अच्छी, हम तो युवा बालक है चलो, लेकिन तुम्हारा सबसे अच्छा और सबसे ना ना वाकई दिल खुश है, मोह अंदाजा हो तुम्हारा पूरा तकड़ो, हम तो पहलवान है दिन रात के भागनिया,
लेकिन जो तुमने भी सारे ही पहलवान है और जो विदाउट पहलवान वे ही रह गए अभी दूर दूर तक ना है कोई। हाँ हाँ फिट रहो भाई फिट रहो। देखो जो ना कोई ना तो कोई ना 1.5 किलोमीटर का फासलो सब तो अभी तुम लोगों को है ना तो हमारा सोचो कितना होगा भाई कुछ ना। 1:55 में आए तुम? हम 1:55 आए। 1:55 में हम तुम सुन 20 मिनट पहले हैं अब लगा हम 20 मिनट पहले हैं अब लगा लो। हाँ 53 पे 9:53 पे यहाँ खड़े है। हाँ बहुत गजब मजा आ गया भाई जय माता दी। तो भाई मैक्सिमम 15 मिनट लग गई 15 मिनट में आ चुके हैं तो कुछ टीम तो अब आ रही है। हम तो प्रसाद चढ़ा के भी आ गए कुछ टीम तो अब आगे लग रही है। तो भाई 15 मिनट में तो प्रसाद चढ़ गया आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारी और टीम जो है ना प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयार है। देखो ये लोग बैठे थे इंतजार में अब हम बैठेंगे इनके इंतजार में अब ये चढ़ेंगे ऊपर। तो इस बार भाई 3 है और सब उड़न खटोला को सहार ले रहे हैं लेकिन हमने हम 3 ऐसी पार करेंगे कि जो ना चल के जाएंगे भैरव पे भी माता रानी के पास गए जैसे। हाँ तो भाई अब सीढ़ी को इस्तेमाल कर दे कहे सीढ़ी पे मर जा हम देखेंगे कैसे मर जाए हम देखेंगे। क्या अपनी टीम के 2 मेंबर ने और जीदारी करी हमारे पीछे पीछे आने की हम मजा आ रहा 300 सीढ़ी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ उड़न खटोला ना लिया बहुत बढ़िया करो। तो भाई अब के ये भी पीछे फेंक दिए जो टीम अब के लास्ट बार आती दूर तक कोई है ना पूरी सीटी इधर उधर अपना तो कोई आया नहीं अभी तो हम चले ऊपर के लिए थोड़ा सा रह गया ये रहा सामने। तो भाई प्रॉपर ऊंचे ऊपर पहुंच चुके हैं वो आ रहे हैं सीढ़ियों पे पीछे हैं काफ़ी पीछे सब पहुँच जाएंगे आज। अब भैरव पे पहले चढ़ गए उधर माता रानी पे भी चढ़े थे बाबा भैरव की बड़ी कृपा है जो पहले पहुंचे बहुत जान लगी इस बार भी इस बार सीढ़ियों से चढ़े आराम से लेकिन थोड़ा भाग के भी चले हैं वैसे भी चले हैं लेकिन मजा आया भाई अब थोड़ा परसा चढ़ा लें। तो भाई ये देखो हेलीपैड कितना प्यार लग रहा है भैया ये देखो आधी टीम आ चुकी है और आधी अभी पीछे आ रही है काफ़ी दूर है वो उसमें आएंगे उड़न खटोला में जैसे भी आएंगे जब पहुँचेंगे पहुँचेंगे पर फिलहाल जो आधी टीम पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो भाई टीम के मेंबर कुछ उतरना स्टार्ट कर दिया है कुछ उन्हें पर अब हम उतरना शुरू कर रहे हैं देखते हैं अब भी जल्दी पहुंचने की कोशिश रहेगी भैया टेंशन ना लो। चल भाई चल कुमार आजा क्या कितना टाइम उतर जाएंगे कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उतरूं वैसे लेकिन कुछ आगे वाले जब हम कुछ नाश्ता पानी कर रहे थे कुछ निकल गए वहां से तुरंत तो फिर भी अब भी टाइम देखेंगे अपना कितना रहेगा नीचे पहुँचने का। अब तो नॉर्मल जा रहे हैं ऐसे ही जो हमारी गाड़ी थी ना आपस में वो तो बस ऊपर चढ़ने की थी उतरने का कुछ नहीं था लेकिन फिर भी हम ये है कि कितना टाइम लग जाए था उतरने में वो भी पता चलेगा आज। ये लो हिरन भी मिल गई रास्ते में। तो भाई व्यवस्था हर तरह की मिली हुई है हेलीकॉप्टर का यूज करना चाहो तो हेलीकॉप्टर का यूज कर लो और नॉर्मल जाना चाहो तो हमारी तरह नॉर्मल चले जाओ। पर भैया दम होगा तो नॉर्मल की कोशिश करोगे ना होगा तो फिर है ही तुमको हेलीकॉप्टर। अब पीछे वाली टीम जाओ कंटिन्यू पीछे कर रही है बढ़िया अब जो आगे आगे हूँ मैं तो काफ़ी आगे आ गया उनसे लेकिन देखते हैं बाद में दिखाएंगे कौन कौन सी टीम कितनी कितनी पीछे है और हम कितनी आगे आ चुके हैं। अब तो अकेला हूँ क्योंकि भाई राहुल भी पीछे रहेगा अब मैं अकेला पड़ेगा बिल्कुल सूटम सा आठ हूँ अब कहता हूँ। तो भाई अब अधकुआरी कैच कर लिया अधकुआरी पे आ गया हूँ कोई साथ नहीं है अभी तो अकेला अकेला हूँ और देखते हैं बहुत जान लग रही है यहाँ तक आने में तो काफ़ी जान लग गई लेकिन और थोड़ा सा रह गया देख लेंगे उड़ जाएगा सब थोड़ा सा और रह गया अब तो ये मान लो 5-7 किलोमीटर चलूँगा पहुँच जाऊँगा नीचे। तो भाई दौड़ना पड़ेगा सीढ़ियों पर जब पहुँचेंगे पहले ऐसे ना पहुँचे तो सीढ़ियों पर जोर पूरी रनिंग होगी देवी मैया की मूर्ति भी ले लें। तो भाई ये देखो बाजार आ गया अब मैं लगभग नीचे ही आ गया बिल्कुल आधे किलोमीटर बचा है अभी करते हैं इसको भी पार गेट पर आ चुके हैं सबसे पहले तो यहीं से एंट्री हुई थी यहीं से गए थे हम सब अब मैं चलता हूँ होटल पे। तो भाई देखो अपना रिजल्ट तो हम पहले ही मालूम था फर्स्ट आएंगे और फर्स्ट आ गए तो कितने टाइम में नीचे उतरा मज़े मज़े में आए हूँ वैसे दूसरे नंबर पे आ चुके हैं हमारी टीम के एक और मेंबर और सब बहुत पीछे हैं यार बहुत पीछे इन्होंने जीदारी की थी मुझसे जो आगे थे ना पहले वो यही थे जब मैंने सीढ़ियों पर मारा ना कट बहुत तगड़ा तो उधर आगे पीछे हो गए सब
लेकिन बहुत अच्छे आए। लगभग मेरे मुझसे थोड़ी देर बाद ही लगे मिल गए रास्ते में ही। फिर निकलने के बाद जैसे मैं गेट से निकला उसके बाद थोड़ी दूर चला उसके बाद ये भी आ गए, तो इनकी भी बढ़िया रनिंग हो गई और अपनी भी पहुँचने वाले हैं। अब पहुँचते हैं पहले होटल पर पहुँच लें। तो भैया होटल में हो चुके हैं एंटर और अपना कोई नहीं है यहाँ, सबसे पहले आए हैं हम। तो भाई रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है और हमारे पीछे वाला भी आया कोई नहीं है, हम ही पहले आए हैं। लेकिन पूरा मजा आया। 110 किलोमीटर में भाई किसी को दौड़ना हो तो दौड़ सकता है, दौड़ के मुझे वीडियो भेज देना कि मैक्स भाई मैं इतने टाइम में आया। कभी वैष्णो देवी मंदिर आओ और जो है माता रानी का आशीर्वाद लो और एक बार दौड़ के देखो। और जो वेट लॉस के लिए तैयारी कर रहा हो वो तो आके बहुत अच्छा वेट लॉस हो सकता है, उसका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। खोल लेते हैं अपना रूम, ये बात चलते हैं अंदर। सब बिखरा पड़ा है भाई, बहुत जल्दी से जल्दी तैयार हुए थे, खैचम खैच मामला था जब यहाँ से निकले थे, तो अब तो थोड़ा भाई आराम करूँगा पहले। तो भाई हाथ मुँह धो लूँ, ठीक है, तब तक टीम भी आ जाएगी, उसके बाद फिर से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो भाई हाथ मुँह धो लिए हैं, थोड़ा रिलैक्स हो गए हाथ पैर अब। तो भाई ऐसा है 110 किलो वेट है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले नीचे भी आए हैं, होटल में सबसे पहले घुसे। लेकिन ये किस चीज़ के जरिए है, बस एक नियम है, हर चीज़ का एक नियम होता है, एक दायरा होता है जीवन में, तो उस नियम के ही उस पे चल लें बस, हम तो उस बेस पे ही चल लें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो पावर है, ये जितनी चीज़ें हैं ना, बस अपना एक नियम होता है जीवन में, मेहनत करते रहो, सुबह उठो मेहनत करो बढ़िया। हम भी बढ़िया वर्कआउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जान लगा के मैंने सोचा कि थोड़ा अब ऐसी जगह जान लगाई जाए जहाँ देख जहाँ हमें पता चले हमारी जो औकात है ना बॉडी की वो कितनी है। तो फिर यहाँ आके पता चला कि इतनी औकात है, सबसे पहले पहुँचे सबसे पहले आए, 110 किलो वेट है, ठीक है। तो भाई मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो यही है कि नियम में रहो, गलत कामों को छोड़ो, जो भी जिस भाई पे गलत काम हो रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो, किसी परेशानी हो, तो परेशानी तुम खुद ही पैदा कर रहे हो, कोई और पैदा नहीं कर रहा, तुम्हारी खुद की मानसिकता है, उस मानसिकता से दूर हो। और जो तुम्हारी जिस ग्रुप में बैठ रहे हो उस ग्रुप को देखो, ग्रुप गलत है या ठीक है, ठीक है, संगत का बहुत फर्क पड़ता है संगत का, ठीक है। तो भाइयों को आने दो। तो भाई मैं तो आके सो गया और सोने के एक घंटे बाद मैंने देखा कि हमारी टीम आ चुकी है और आके सो गई सारी। तो भाई अब जब ये उठेंगे तब बातें करेंगे और थोड़ा खाना वाना खा के आता हूँ मैं। तो भाई मैं तो खाना खा के आ चुका हूँ, ये देखो हमारी टीम, हमारी टीम के मेंबर जो कि अभी भी लेट रहे हैं आराम से, लेकिन लगभग लग रहा है कि जग गए हैं। और खड़े हो जाओ, खाना वाना खाइयो भाई, जाओ, अरे खाना खा के आ जाओ भैया, सारे लिख लो। तो भैया मार्केट में घूमने के लिए टीम हो रही है रेडी, सब खाना खा के आ चुके हैं और चलते हैं मार्केट में, आपको मिलेंगे अब मार्केट में, ठीक है। बाजार में और थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं थोड़ा प्रसाद। थोड़ा प्रसाद वगैरह ले लें, और मूर्ति मैंने ले ली थी पहले ही, तो अब ये बोले प्रसाद लाएंगे, तो मार्केट में प्रसाद भी भाई ज़रूरी है लेके चलना। किसानों ख़त्म नहीं हुई शॉपिंग, चलो भाई जल्दी। तो भाई शॉपिंग करके आ चुके हैं रूम पे और ये देखो हमारा पूरा सामान आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त और अगला ब्लॉग नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा हमारा कल से, ठीक है। तो लेते हैं अलविदा, बाय बाय।